एसी रूम हो गए, एसी हमारा लग गया। मॉर्निंग क्लास करते हैं शाम को, तो यहाँ पर बंद है ना चैन, शाम को जो है सामान मिल गया है। इसमें नमाज पढ़ने से बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा। एहतशाम जो है हमारे एसी की तैयारी कर रहे हैं लगाने की, इसको जो है मशीन जो कल खोल कर रहते हैं ना उनके घर से, ये वही मशीन है, और इस मशीन के ऊपर यहाँ पे ये पंखे लगा दिए और ये बनवा कर आएँ ये चीज़। अब ये बेटा अजलान को पकड़ो, अजान गिर ना जाए मेरे बेटा। ये इस पर जो है पेच लग जाएंगे, दीवार पर पेच लगेंगे, इससे कील लगेंगे ना, कील लगेंगे, ये मजबूत हो जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं इसलिए। और ये बिल्कुल ऐसे पार खुले रहेंगे, इसके पार तो खुले रहेंगे, अंदर की साइड होगा ना। तो इस काम के लिए हमने जो बुलाया है, मदनी को बुलाया है, जो कि हमें उस दिन शाजमान लेकर गया था, तो इसकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे पास आ गई है। ऊपर अभी जो है इसने चढ़ना है और इसको जो है कील वगैरह ठोकने हैं, इसके लगाने, क्योंकि शाम तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो इसलिए बेचारा सुबह से जो है हमारे ये मेहनत कर रहा है, एहतशाम बता रहे हैं और जो है यहाँ पर ये इस तरह से लगा रहे हैं। तो ये हवा जो है ना पीछे से गर्म हवा जाएगी बाहर, और बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी, ऐसे नहीं बाहर की, अंदर की गर्म हवा ना बाहर फेंकेगा ये, बस ये होगा इससे। हाँ आप तो मजबूर होके खड़े हुए ऐसे, बिल्कुल वरना देर ही लगती लग जाती, अभी तक लग भी नहीं रहा। मदनी की फरमाइश थी, क्योंकि इसने एक बार मुझे कमेंट किया था, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था सत्तू, तो इसने कहा कि आप ही दुआ मुझे भी सत्तू पीना है, तो मैंने कहा अभी मैं आपके लिए सत्तू बनाऊं, ठंडा बनाऊं, या फिर क्या मैं चाय बनाऊं, क्या आप कहोगे। इसने कहा आप ही, मैंने आपको जो है पहले भी ये कमेंट किया था मुझे सत्तू पीना है, तो अभी जो है मैंने इसको मिस्टर मदनी को सत्तू बना कर दिए। तो कैसा है सत्तू? मज़ेदार सत्तू है। आपके पास तो नहीं आया होगा अभी गांव से, आया था या नहीं? अभी नहीं आया हमारे पास, नहीं आया, नहीं, पहली बार फिर जब से बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराते रखे, और अपनी हिस्सोमान में रखे। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक, माशाल्लाह से बाबरकत दिन है, अल्लाह पाक आप सबकी नेक जायज़ दिली दुआएं कबूल फरमाए, जिन के सदके आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आज बना रही हूँ चावल, और मैंने कहा नमाज से पहले जो अपने खाने वगैरह का बंदोबस्त कर लूँ, खाना वगैरह बना लेते हैं, खाना अगर खाएंगे भूख लगे तो पहले खा लेंगे, वरना तो नमाज के बाद इंशाल्लाह जो खाना खा लेंगे, चावलों को दम लगा हुआ गर्म ही रहेंगे। और अभी अजान हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना झटपट से काम अपना जो है कर लूँ, घर के काम वगैरह सारे निपटा लूँ, और अजान के काम चेक करें। मैं खुद आके यहाँ पर साइकिल देखने के लिए आई थी, तो चावल साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ मैं। तो ये अजान ने क्या किया है, अपनी साइकिल को पहले धोया, धो के फिर इसके ऊपर देखें वो दुपट्टा डाल के चले गए, ताकि जो है मेरी गंदी ना हो, इतनी महफूज रखता है अपनी गाड़ी को माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जो है ऐसे ही रखे, हमेशा अपनी चीज़ों की कदर करने वाला, और अल्लाह ताला नेक बनाए, और आमीन, आप सब भी आमीन कर दीजिएगा। और दूसरा ये बांध को, ये साइकिल और ये बांध देखने के लिए, बांध जो है आज शाम लेकर गए, तो उस दिन हमारी चारपाई पड़ी जो बनी उसमें से ये इतना बांध जो है बच गया जो है, अब थोड़ा सा और हो जाए ना तो हमारी जो एक दूसरी चारपाई टूटी हुई है ना वो भी बन जाएगी। पर जो है ना जो जिनसे बांध लेकर आए उनकी बेईमानी चेक करें, उसमें जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं आप पूरा वो जो ये पूरा क्या कहते हैं इसको, पूरा रोल लें भाई, पूरा रोल लेंगे, ये थोड़ा नहीं मिलेगा, इसमें हमें तकरीबन कितनी ज़रूरत है, आधा किलो ज़रूरत। जिस टाइम लेने लगा था मैंने उस टाइम पूछा कि आप अगर कम हो जाएगा फिर आप ये मिल जाएगा, भाई आधा किलो लेना चाहिए मिल जाएगा, उसने उस टाइम तो कहा भी मिल जाएगा, और अब नहीं दे रहे, अब गया तो फिर कहते हैं कि पूरा रोल ले। बस एक वो चीज़ का वो कर रहे हैं ना, फायदा उठा रहे हैं कि भाई ये चीज़ इन्हें लेनी लाजमी, अब ये यूँ ही रखा रहेगा, एक लेते हैं तो फिर ये ज़ाया हो जाएगा, बस अभी नहीं ज़रूरत ही नहीं है, ये रखा ही रहे, जब वो कुछ होगा तो अब किसी और शॉप से फिर जाना पड़ेगा, मिलता जुलता मिलेगा फिर, सेम तो नहीं, फिर वो रंग परंगी हो जाएगा, सही नहीं होगा, तो सेम ना मिले तो फिर तो ये ज़ाया है ना, ज़ाया नहीं, अभी रखा रहता है, कोशिश करेंगे फिर ये कुछ करेंगे। चावल मैंने साफ़ कर लिए, अभी इनको धो के जो है भिगो के रख देती हूँ, फिर इसका जो है मसाला वगैरह बना लेते हैं, प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह जो है बना लेती हूँ। कल की जो मैंने क्लिप आप सबके साथ आगे शेयर की ना, वो ये था कि ये पंखा जो लगाया है नेट शाम ने, ये इसका मतलब ये है कि जो गर्म हवा होगी ना कमरे की तो ये बाहर फेंकेगा, ये बन गया है एग्जॉस्ट फैन जो होता है ना वो बन गया है, तो कमरे में जो है इससे ठंडक होगी, जैसे कि समझे एसी होता है लोगों के घर पे तो एसी की ठंडक होती है, इस तरह से कूलर भी चल रहा है ना तो कूलर
ठंडी हवा देगा और जो गर्म हवा होगी वो बाहर चले जाएगी। हमारे एक तरह से ये एसी रूम हो गया, एसी हमारा लग गया। मैं इसको एहसास फैन का एसी कह रही हूँ, शाम कह रही हूँ आप क्यों कह रही हो इसके एसी नहीं कहो, जब ये एसी है नहीं तो आप क्यों कह रही हो। मैंने कहा ये हमारे लिए जो ये भी एसी है और क्या है, तो एसी नहीं है ये। एसी कहाँ है, कमरा ठंडा रहेगा। अगर कमरा ठंडा हो गया तो एसी है और क्या है इसको। चलो भी आप सबने कमेंट करके बताना, अगर जो है ये ठंडा हो गया तो समझे आप, ये कूलर तो एसी कूलर है ना, ये तो एसी कूलर, ये एसी कूलर है और वो लग गया तो आप समझे एसी हो गया हमारा। चलो भी एसी बन गया, एसी रूम हमारे घर पे एसी लग गया है। दुआ के लिए एसी बन गया, एसी बन गया। अजलान सो रहा है और अजान जो है मोबाइल देख रहा है और इसको झूला वगैरह देते हुए वो तो सो गया। तो मैं अब जल्दी से जो है खाना वगैरह बनाती हूँ, खाने में जो मैंने बताया आपको चावल ही बना रही। अच्छा पहले आप लोगों ने देखा था इधर दाग दाग नजर आ रहे हैं, ये वाइट जो है ना यहाँ पर लगा हुआ था और फिर यहाँ पर सामने का यहाँ पर पानी डाल के देखो ये साफ हो जाएगा। मैंने पानी डाला ना तो ये जो वाइट वाइट था ना वो साफ हो गया। पहले बहुत बुरी लग रही थी। हाँ जी इंशाल्लाह इसको कलर भी करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कलर से जो है ना अच्छा लगेगा हमारा पूरा घर माशाल्लाह। अजान नमाज के लिए तैयार हो रहे हैं, अजान भी होने लगी, जल्दी कर बेटा जल्दी। बटन लगा बटन। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से हमने पढ़ ली थी, फिर उसके बाद जो हमने खाना खाया, खाना पहले ही बन गया था लेकिन जो है बाद में हमने खाना खाया नमाज के बाद। फिर अभी जो है सारा सामान वगैरह मैं इकट्ठा करती हूँ, धो लेती हूँ, फिर इसके बाद हमने जाना है सब्जी मंडी की तरफ। ऐसे शाम को अकेले जाने नहीं देते, सब्जी मंडी हम क्यों जा रहे हैं, कोई सामान आया हुआ है तो वो सामान उठाना है वहाँ से। ऐसे शाम को मैं अकेले जाने नहीं दे रही तो इसलिए मैंने कहा कि आप धूप एक तो ज़्यादा तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है और जो है इसलिए जो है इनको अकेले नहीं जाने दे रही कि धूप वगैरह तो इनको ये ना कि चक्कर वगैरह आ जाए या मैं साथ में जाऊँगी, उस तरफ होता भी बहुत ज़्यादा रश है इसलिए। तो मैं थोड़ा आराम आराम से कहती जाऊँगी, चलाती जाऊँगी और अजान, और अजान को जो है अम्मी के घर पर छोड़ते हैं उसके बाद हम रवाना होते हैं। जी चलते हैं जी, पहले ये सामान वगैरह मैं सारे इकट्ठा कर लेती हूँ। देखिए अभी तक गर्म है भाई, यहाँ से यूँ खा लेती हूँ मैं इसको। गर्मी की शिद्दत इतनी कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और अजान के स्कूल की तरफ हम पहुँच गए हैं तो यहाँ का जो है लम्का शाम के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप यहाँ का पी के देखो बहुत मज़ा आएगा। तो जी ट्राई करते हैं, और शाम कहने पर शाम की वजह से जो है मैं पी रही हूँ। और वैसे उस दिन शाम ने बनाया था ना वो भी अच्छा था, उसका टेस्ट जो है मुझे कुछ अच्छा लगा था। और ये देखें ये अजान के स्कूल की तरफ आए हुए हैं, तो यहाँ से जो है सब्ज़ी मंडी जो है जहाँ हम जा रहे हैं ना यहाँ से थोड़ा करीब होती है, थोड़ा सा सफ़र है और आगे भी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम चल रही है, इतनी ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का कोई चल रहा है और रोडों पर जो है ना इतना रश नहीं है क्योंकि इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी लम्का बन रही है, लम्का जैसी आती है ना तो वैसे फिर हम पीते हम निकलते हैं फिर यहाँ से। इस तरह से जो है कुछ देते हैं और ये लम्का देखिए जी इस तरह की, ऊपर जो है पुदीना भी इसमें साबुत भी डाला हुआ है, इसमें काला नमक है ना, काला नमक भी डाला हुआ है। शाम जो सामान लेने के लिए गए हुए हैं और सब्जी मंडी में देखें जी इस तरह से मजदूर काम कर रहे हैं बेचारे अपना, तो रोजे के लिए कुछ करना ही पड़ता है, गर्मी नहीं देखनी पड़ती, इतनी कोई शदीद की गर्मी है, लेकिन बेचारे जो है लोड कर रहे हैं अपना सामान वगैरह सब कुछ। और शाम को जो है सामान मिल गया है, जाए नमाज जो है ना इतनी कोई प्यारी है ना, इतनी कोई बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। और ये सऊदी अरब की है, शाहीन अम्मी जी जो है वो उमरा कर आई थी तो उन्होंने जो है ये मेरे लिए जाए नमाज काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो उन्होंने भेजी, उनका पहले तहे दिल से शुक्रिया, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है मुझे सऊदी अरब का माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको देख ही जाऊँ और देख ही जाऊँ, बहुत ही खूबसूरत है, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, बहुत प्यारी माशाल्लाह से।
इसमें नमाज पढ़ने से बड़ा सुकून मिलेगा बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है। और शाहिना मैंने जो सामान वगैरह भेजा वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि दो तकिए के गिलाफ हैं ये, और इसके साथ ये बेड शीट है, और दो जो है ये पर्स भेजे हैं ये वाले हैंड बैग, और इसके साथ जो है उन्होंने काला नमक जो कि मैंने उस दिन शायद वीडियो में शेयर किया था तो उन्होंने सुना, तो ये काला नमक उन्होंने ये भेजा है, और ये भी है ठंडा पानी करने का गिलास। और सबसे अहम चीज़ जो है ये, मैंने एक बार उन्हें जो है ना कहा था कि फोन पे अगर जो है ना ये सऊदी अरब के आपके पास जो है तेल है तो वो मुझे भिजवाइएगा, इसको कहते हैं जैतून का तेल है, शाम की मालिश होनी है पाँव की और ऊपर से जो है ना टांग की, तो इसलिए ये मंगवाया था, तो उनके पास नहीं था लेकिन उन्होंने फिर मंगवाया और मुझे ये भिजवाया उसके साथ जो है ये सामान उनका। पहले तहे दिल से शुक्रिया, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने अपने बहुत कीमती टाइम में उन्होंने इतना सारा सामान मुझे सेंड किया, बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उनकी बेटियों को हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, वो अपनी बेटियों की ढेरों खुशियाँ देखें, अपने बच्चियों की, पोते पोते के नहीं, उनके बेटे तो नहीं है लेकिन नवासियों की, नवासों की। तो और जो है इन्होंने ये वाला गिफ्ट जो है ये भी बहुत प्यारा भेजा है, ये जो मेरे ख्याल से जो लगती है ना दीवार पे ये घड़ी, तो ये भेजी है उन्होंने, तो इसको तो बनाना पड़ेगा ये, लेकिन कलर वगैरह हो जाए ना तुम्हारे घर पे फिर जाके अच्छी लगेगी ये घड़ी, ये भेजी है, बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, साथ में मेरे यहाँ से लगाने के लिए चिपट चिपट होगी इसकी, ये सुइयाँ वगैरह भी हैं ये हैं, तो ये मैंने कहा आप सबके साथ सामान जो शेयर कर देती हूँ। ये क्या होगा इसके साथ? अच्छा ये कागज़ है, इसमें साथ लगेगा शायद, ये तो फिर मैं उनसे पूछ लूँगी, फिर से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने चाबियाँ जो है ये भी भेजी हैं, और मेरे लिए जो है ये स्लीपर भी भेजी है उन्होंने, दूसरा जो है मेरा सूट भी भेजा उन्होंने, जो मैं दिखाऊं कहाँ गया सूट, जी ये रहा, ये देखिए जी ये रेडीमेड जो है उन्होंने सूट भिजवाया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उनका। ये ट्राउजर है और ये साथ में जो है दुपट्टा है, और इन्होंने ये भी भिजवाया है, इतर, और साथ में माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह और मोहम्मद की तस्बीह, और ये कड़े, ये चीजें हो गई, और जो है साथ में उन्होंने ये भेजी है छुरी, और उस दिन जो है हम वो कर रहे थे ना बोतल के लिए, तो वो आए शाम उससे, तो उन्होंने ये भी साथ में भिजवा दिया ताकि जो है बोतल का ढक्कन जो है ना इससे आराम से दुआ खोल सके, बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत मोहब्बत का, इतनी मोहब्बत आप सब करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और जो है कलर ये भी भेजा उन्होंने बालों के लिए कलर, तो फिर तहे दिल से आपको बहुत शुक्रिया, ये वाला कलर भेजा उन्होंने गार्नियर का कलर है, बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं सारी चीज़ें, बहुत अच्छी है, मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूं, तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कितनी प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, फोन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी ये पर्स में से जो है ना ये भी निकले हैं इयररिंग्स, और साथ में जो ये ब्रेसलेट भी निकला है, तो ये मैंने कहा आप सबको ये भी दिखा दो साथ में, ये बहुत प्यारा है, और ये कहाँ से सामान आया ये भी आप बोलेंगे कि आपने तो बताया नहीं दुआ, तो ये कोट सुल्तान से है, अम्मी जी शाहिन अम्मी जी ने पहले भी एक बार जो है मुझे जूसर ग्राइंडर जो है वो भी भिजवाई थी, ये वही है, उन्होंने जो है दोबारा से ये सामान भिजवाया, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।